हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइज़र से, और यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है बायोसेस का मॉइस्चराइज़र। इससे मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। इसके बाद मैंने लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर और इसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारे फेस में जो भी ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और हमारा जो फाउंडेशन होता है वो बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। यहाँ पे अब मैंने इस्तेमाल किया है फाउंडेशन के लिए मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। इसे मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है और फिर मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पहले से भिगा के इसे निचोड़ लिया था। तो इस तरह डैब डैब करके मैं अपने पूरे फाउंडेशन को इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन और ब्लैक कलर इस आई शेडो पैलेट से। ये है ब्यूटी ग्लैज का आई शेडो पैलेट और इसे मैं मिक्स करके अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसे मैं अपने हाथों पे ले रही हूँ। फिर एक छोटे से फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ के साइड साइड पे कंसीलर लगाऊंगी और फिर उसे एक थोड़े चौड़े फाउंडेशन ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। इससे हमारी आईब्रोज़ बहुत शार्प दिखती हैं और बहुत ही क्लीन दिखती हैं। सेम कंसीलर को मैंने अपनी अंडर आइज़ के नीचे, अपनी आई लीड पे और जहाँ जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और फिर मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो पहले मैंने ब्रश से ही इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया है, थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं जब आपका कंसीलर बहुत हाई कवरेज का नहीं है तो उसे पहले ब्रश से ब्लेंड कर लें, क्योंकि अगर आप पहली बार में ही ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करेंगे तो ब्यूटी ब्लेंडर आपके पूरे प्रोडक्ट को सॉक कर लेता है, जिससे आपका जो कंसीलर है या फाउंडेशन है वो उतना अच्छा कवरेज नहीं दे पाता। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है NYB का कॉन्टोर स्टिक और इससे मैं कॉन्टोर करूँगी। बेसिकली मैं अपने हॉलो ऑफ चिक पे और नोज़ पे अच्छे से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा अपने जॉ लाइन पे एंड थोड़ा सा बिल्कुल फोरहेड पे। तो मैंने इस तरह से कॉन्टोर को अप्लाई कर लिया है। अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ और क्योंकि ये क्रीम कॉन्टूर है तो इसे ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसलिए हमें थोड़े अच्छे से थोड़ा टाइम लेके इसे ब्लेंड करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे लिया है मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर और इससे मैं अपने पूरे जो भी क्रीम प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं, फाउंडेशन, कंसीलर और कॉन्टूर, मैं सबको अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक फ्लफ़ी ब्रश, इससे मैं यहाँ से मैंने पिच कलर उठाया है इस आई शेडो से और इसे मैं अपनी ट्रांजिशन कलर के जैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा और डार्क पिंक लिया है और इसे मैं उस ट्रांजिशन कलर के नीचे लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल डार्क कलर पिंक ले लिया है और इसे मैं अपनी आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा उसे मैं अपनी क्रीज पर लेके जा रही हूँ। अब मैंने सेम कंसीलर को एक छोटे से फ्लैट ब्रश की हेल्प से यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ मैं उससे। तो पहले मैंने शेप बना लिया है, बाद में हम उसे फिल कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड मैंने कट क्रीज ड्रॉ कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे लिया है ये सी ग्रीन ब्लू, आप बोल सकते हो कुछ ऐसा कलर है, जैसा मेरी साड़ी का कलर है सेम वैसा ही है। और इसे मैं अपनी पहले मैंने ब्रश से अप्लाई किया पर उससे उतने अच्छे से नहीं हुआ तो मैंने फिंगर की हेल्प से इसे लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मी इंस्टेंट आई लाइनर और इससे मैं अपनी आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैंने लिया है मस्करा और ये है मेबेलिन का मस्करा
और क्योंकि मैं फालसीज लगाने वाली हूँ तो उसके पहले अपनी जो हमारी पलके होती है उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसके लिए आप मस्करा पहले लगा के फिर आप फालसीज लगाएंगे तो वो आपस में मर्ज हो जाती हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने अपनी अपर लैश और अपनी लोअर लैश दोनों पे अच्छे से मस्करा अप्लाई कर लिया है और अब मैंने लिया है शुगर का ब्लश और मैं इससे अपनी चिक्स पे ब्लश लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है हाइलाइटर के लिए वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और इसे मैं अपनी जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं मेरे फेस में वहाँ पे मैं हाइलाइट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपनी ब्रो बोन को भी हाइलाइट कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं अपने इनर कॉर्नर को हाइलाइट कर रही हूँ। अब मैंने लिया है ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक और ये बिल्कुल रेड कलर की है, हॉट रेड कलर की है और इसे मैं लगा रही हूँ। अब मैंने लिया है यहाँ पे लैक्मी आइकॉनिक काजल। यहाँ पे मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करना भूल गई थी तो मैं पूरा रेडी होने के बाद सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे।